आप सभी दर्शकों तो मेरे सादर नमस्कार। मैं छूँ देव प्रसाद तुड़ी और आप देखना जन पुनः गांव की ओर। तो जन की मैं बोल दूँ कि जग न जालो कोई और वक्त जालो पुनः गांव की ओर। तो आज मैं आए छो थानो मैंग पंवर जी का धोरा। और हे भगवान, हे माता रानी, तेरे लाख लाख शुक्र कि आज यह ना बच्चा या ना युवा अपनी संस्कृति बचाने को एक प्रयास करना छन। आप वेशभूषा दिख सकते हैं और योग्य परिचय मैं नहीं दे सकता। योग्य परिचय जिसा खुद अपमान पहाड़ी दिला। और मैं आप सब तो निवेदन कर दूं कि आज की हमारी ये वार्ता बोली आप इसे विशेष रूप से ध्यान और सुनान के लिए कि आज मात्र और मात्र संस्कृति बचाने का एक प्रयास होना छन, बात होनी छन। लेकिन धरातल पर काम करनू कत का मुश्किल हो दू, कत का कम दिखे दू, ये आप और मैं भली बात जान दूँ। तो चला मैं अब चलो सीधा मैंग पंवर जी के पास। और मैं तो उम्मीद से कि आपको प्यार हम दिवत बराबर मिल लूँ और आप पर ध्यान दिल। तो आप तो मेरे नमस्कार और आपको स्वागत है बहुत बहुत पुनः गांव की ओर एक नई सोच में। जी नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय आपते हैं। और नमस्कार आपका सभी दर्शकों दे, आपका दगदी समाज ते और अपनी संस्कृति संस्कार दे बचाने वाला सभी संस्कृति पुरोधाओं ते मैं प्रणाम कर दूँ, वंदन और अपड़ू सेवा भाव और नतमस्तक कर दूँ और सेवा आपका प्रति भी। मैं जन कि आप मगे बहुत लोग आपों को आप लोगों प्यार मिल दो रहो। मैं ते मैं मयंक पंवार और मूल रूप से पट्टी भरदार मेठना खाल हो छूँ। मैं सिलगों मेठना खाल और गाँव मेरे सिलगों मेठना खाल ची। और मैं हाल निवास वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छूँ, बनारस में छूँ, जख मैं अभी साइकोलॉजी छूँ पढ़ोणु और मनोविज्ञान पढ़ोदू। और दगड़ा मा अपनी सनातन संस्कृति की कार्यों में भी छू लग्यूँ। और पुनः मैं आप ते धन्यवाद दिंदू रतोड़ी साहब, आप ते जो आपको यू बड़ो प्यारू कार्य अपड़ो पुनः गांव की ओर नियमित रूप से मैं देख दू रोंदू। और यो मेरे सौभाग्य जी आज आपसे मुलाकात चुनी जी। मेरे सौभाग्य से कि आप जैसा युवा से बच्चा से मेरी मुलाकात हुई और बहुत कुछ मैंने भी आप मैं कई बार 2 घंटे बैठी मैं 5 के तकड़ा बैठी छूँ। और मेरे मकसद देखे एक बाई टर्न कोई इंटरव्यू लेने थो, बल्कि एक भगवान की कृपा से कि हमारी मुलाकात हुई, हम एक दूसरे से मिलूँ। तो आज सच पर सवाल में आपसे रह लूँ कि आपकी ये वेशभूषा और आपको यू इस छोटी उम्र में आप जो पढ़ना भी छन और पढ़ना भी छन और बहुत कुछ गाना भी ना आप लिखता भी हैं और आपको पहनावा तो मैं बार बार मैं देखिए तो एकदम अट्रैक्शन बढ़ गई कि माता रानी की माँ वैष्णो देवी की कृपा पर बराबर छ। तो आप युवाओं खातर जो आजकल धोती कुर्ता सब पहन शर्मादान टीका लगाना शर्मानंद सोना की माला पहना खातर चैन पहना खातर अपन सुख चैन खुआदान और आपकी जीजा रुद्राक्ष की माला धारण करी छे, तो आपके संदेश देना चाहला। आदरणीय मैं एक ही चीज बन जालो कि आपको आहार शुद्धि होना जरूरी छे। पहली आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और आपकी वेशभूषा की शुद्धि। पहले तो मैं सबसे पहली मैं आज का युवा पीढ़ी थे मैं यही संदेश दियोलो कि अपनी एक वृक्ष फल तभी दियोंदो साहब की जब वो अपनी जड़ से जुड़ी हो रोल। और आप एक मीठा वृक्ष की कब कामना कर सकते हैं, आप आकांक्षा के भी वृक्ष से मीठा फल दियो वो कब कामना कर सकते हैं आप, जब वो अपनी गहराइयों से जुड़ा रहे, जब अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। बोनो मतलब कि यंची की जब व्यक्ति तय अपनी संस्कृति सांस्कृति और जब व्यक्ति तय अपनी संस्कृति और संस्कृत संस्कृति हमारे एक शास्त्रों में बोली हो गई हूँ कि जो समाज जो राष्ट्र और जो देश जो सभ्यता अपनी संस्कृति और संस्कृत क्या यूं द्वीप पर चल दो वो निरंतर प्रगति पथ पर रहो, निरंतर विकास पथ पर रहो, जो अपनी जड़ से जुड़े रहो, जे समाज का लोग जे समाज का युवा वर्ग जे समाज की सोच अपनी जड़ से जुड़ी रहती वे समाज में फल भी वत है मीठा होना। दूसरी में ये नहीं बोलो कि जठा वेशों को अपनी माँ पिता अपड़ा बे बाबा अपड़ा दाना सयाना जो हमारा पूर्वज सा साहब उमा लाणो नहीं छो, आप जानदन सही बात उमा लाणो नहीं छो,
उमा खाणो नहीं छो, उमा पियोणो नहीं छो, पर वो संसाधन का अभाव में रहन, पर उन प्रकृति से जा जुड़िया। तो मेरो वन मुख्य उद्देश्य यो चे कि आप प्रकृति से जुड़े रहिए। जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ दो वो कखी ना कखी हुए ते सत्व की प्राप्ति होंगी जी। और एक बात और पवार जी कि आप ये सब पढ़ाई खाते नौ साथ साथ में आप मैं तो पता लगी कि आप IAS की तैयारी भी करने लगे। तो देखा ये बहुत बड़ी बात है, एक सब कुछ संस्कृत भी और फिर भी IAS की तैयारी करना छन। और घर में जो माता पिता का गौड़ा पाते छन, मैं आप तक वो भी दिखूल, क्योंकि जब जब गाय रहते तो तब सब कुछ ठीक है। हम बोल दो हमारा गौड़ पा दूँ, लेकिन ना हम नहीं पालते गौड़ू, बल्कि हम तो गौड़ पाल दूँ जी साहब। बिल्कुल, असल में क्या चाहिए कि यदि आप अपनी धर्म जब जब आप हम सनातन की बात कर दें, सनातन संस्कृति की बात कर दें, तो आमतौर पर प्राय देखिए जन कि आज सनातन को आशय लोग मात्र और मात्र कर्मकांड से समझ दें। सनातन धर्म एक कर्मकांड एक अंश चाहिए, एक पहलू चाहिए, जबकि यदि आप सनातन की नींव मोजाला या जब आप सनातन की जड़ देखला, तो जन मैंने अभी बोले आपसे कि एक फल की अपेक्षा तभी होनी जब एक नींव मजबूत हो। तो एक हमारे सनातन की जो नींव ची वो गौ ची, गाय, गौ माता, और गौ हो गंगा हो, ये दुई हमारे अंचिन की हमारे या गंगा ते जो चाहे ध्यान बोलिएगे, और ध्यान मतलब जे को ध्यान रखो जाओ, क्या ध्यान मतलब जे को ध्यान रखे, जे को ध्यान रखे जाओ, आप ध्यान सुनाने में आज की बात बहुत बढ़िया हो रही है। और गंगा गंगा होने जे को गंगा गंगा जे को ध्यान हमारे अनुबोधन की बल सभी दोष लग जाओ, पर दिशा दोष ध्यान को दोष ना लगो, दिशा दोष ना हो बल हमारे एक बोलन की। और दिशा दोष सबसे खराब हों साहब, तो गौ और गंगा का चरण हमारे एक हम जो छ निरंतर पथ पर अग्नि बढ़ी सकदन, पर दुर्भाग्य आज हम सभी लोगों को ये छे कि जो हमारी नींव छे, जो हमारी जननी छे, जो हमारी पथ छे, जग बेटिन हमारा आप देख लाते गौ से हमारा सनातन का 14 आप जप तप नेम धर्म कर्म गौ से होंदन। और गंगा की बात कर दें, जन मैंने आपते बताए गौ और गंगा, तो ध्यान जो ध्यान मतलब जी को ध्यान रखे जो क्या, और गास तो मात्रो न विद्यते, हमारे एक सब चीज की उपमा की जय सके दी, पर गाय की उपमा नहीं हो सकती है साहब। गाय गौर घास तो गाय और एक गंगा और एक गांव जी, गांव को ध्यान, हाँ बिल्कुल, क्योंकि गांव और फिर भाव बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अच्छा कैसे साहब की गांव हमारे बोलदन, हम बोलदन कि गांव गोठार, गोठार हमारे एक बोलदन जागर हमारा बात नहीं कि जे धरती माँ बल गौ का गोठ वाला, गौ का गोठ सजला मतलब गौ गौ से ही गौ नौ पड़े, और पुनः गांव की ओर का हम आप हम जब बात कर दें कि पुनः गांव की ओर चलें, तो पुनः गांव की ओर चलने का आशय ही हमारा होता है कि पुनः हम जो हैं गाय के पास चलें, पुनः हम अपनी जड़ के पास चलें। जैसे मैंने बताया अभी मैं चर्चा करे साहब कि हम नींव पर कार्य करें, नींव पर कार्य करें मतलब गाय पर कार्य करें, गौ पर अपनी जड़ से, जग बिटिन हमारा दादा बाबा, जग बिटिन हमारी रीति रिवाज शुरू हुई, चाहे हम पढ़ू आप भले सब कुछ करा, आप अंग्रेजी लावा, पाश्चात्य संस्कृति अपनावा, सब संस्कृति थे, सब सभ्यता देखा, पर अपड़ू लाणू, अपड़ू पहनू, अपड़ू खाणू ना बिसरा साहब। अब जब बात आएगी भाषा की, तो मैंने भी पेट भरना खातर जन्म दिल मिली, पढ़ाई लिखी गड़बड़ करी, फिर दिल्ली के रेस्टोरेंट में नौकरी शुरुआत करी, तो मैंने पहले अंग्रेजी सीखी, वैसे भी काम चली, तब मैंने 6 महीने जापानी भाषा कोर्स करी, तभी पेट नहीं भरी। आखिर मेरे दिमाग में आया कि चलो फिर गांव के बारे में कुछ सोच जाऊँ, तो मैं ये ना सुनी कि आप कई देश की भाषा भी आप बोल रहे हैं आप जी जी। आदरणीय बिल्कुल, ये माँ पिता चुई को आशीर्वाद रे निरंतर, और अपड़ा पितरों को आशीर्वाद, और मेरे बेबों को आशीर्वाद दियो निरंतर बनो, चूँकि मैं आज 14 भाषाओं को ज्ञान रख दूँ, चाहे वो अंग्रेजी हो, जर्मन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न भाषाओं को ज्ञान थोड़ा बहुत छे छे, और बार मूलतः मैं अपनी संस्कृति अपने पितरों की भाषा पर जोड़ूँ, जो भाषा हमारे दाद बाबन बोले, वो भाव जो भाव हमारा दाद बाबन रखे, वो छुई जो छुई हमारा दाद बाबन लगे, वो बाटा कभी कभी मैं अपनी युवा दगड़ी होता ये बोल दूँ कि कभी कभी सोचान कि जो बाटों माँ माज जाना छिन गौ फुन वो बाटों कभी हमारा दादा बाबा चला होला,
હું પાણી પંદેરોમાં કવિ હમારા દાદ બાબુન પાણી ભર્યું બોલો, હું બાટ્યો ફૂન કવિ હમારા દા ગોળી ચડીન હોલા કવિ બાખરી ચલીન હોલા. આજ હમું સંસાધન પરિપક્વ હોયગે સાહેબ, આજ હમ સંસાધન સે પરિપક્વ હોયગે સોણા બાત કે જિંકી જતે હમ સંસાધન હોણા તથા હમ અપડી જડ છિન બિસના સાહેબ. હમ એક વાત ઓર પ્રમાણ જી કે આપકો મનમાં યે બાત કખ બટી આઈ કે ये भाषा मतलब ये वेशभूषा, फिर ये पढ़ाई संस्कृति पढ़ाई, और साथ ही साथ आपने देश विदेश की भाषा, और ये छोटी सी उम्र में आप बड़ा काम करना छन, ये प्रेरणा कहाँ बैठी मिली बोली आपने? हाँ जी साहब, मैं सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम वंदन करी कि मैं सबसे पहले अपने माँ पिताजी ते धन्य दें दूँ, और मैं अपनी माँ ते धन्य दें दूँ, अपने पिताजी ते धन्य दें दूँ, जो जो माँ पिताजी ने मैं बाल्यकाल बिटिन संस्कार दिन इन साहब जनी हुंदु क्या जी की जब एक छोटी सी लगुली होंदी साहब, तो वे लगुली ते जब तक लगुली छोटी होंदी तो वे ते हम के भी दिशा में घुमाए सकदन. कहने का आशय है कि जब तक कुमार घड़ों को निर्माण चुकन हूँ तो जब तक मिट्टी कच्ची है तो वो कुछ भी निर्माण कर सकती है. कई बार प्राय अक्षर की माँ पिताजी ते लग दो की मेरी भूई वेशभूषा देखी, मेरा विचार सुनी क्योंकि कखी यू हमसे दूर ना चल जोगी न बन जाओ. जी जी कभी कभी माँ पिताजी ते लग दो की भाई हमारे यू हमसे बेर ना चल जाओ, हम अब गृहस्थ जीवन न त्यागो. पर मेरे बोलने को मतलब ची कि हमारा शास्त्रों में मुक्ति को मार्ग बताए तो मुक्ति को अर्थ हुए कि घमंड अभिमान लोभ लालच मोह से मुक्त हुआ वा. गृहस्थ जीवन में रेक माँ पिताजी का चरणों में रेक ही आप जो है निवृत्त शुद्ध आचरण कर ही सकते. तो कभी कभार हो अक्षर जी प्राय जब माँ पिताजी चिंता लेंदन, और प्रेरणा मेरी माँ पिताजियों की छे और गौ ब्राह्मण संत समाजों की छो अपने संस्कृति की छे. अभी माँ भी बगल बैठी थोड़ी देर में माता ने पूछना था, माँ भी क्या बोली था जी, माता ने पूछना था बाद माँ. जी जी बिल्कुल माता जी, बिल्कुल आपका दोहरा वाली और दोहरा बैठी ली माँ. मैं माता मैं बारम्बार माता पर भी प्रणाम कर दूँ अपड़ी, और मैं सभी देख दे रही समाज ते भी बन चालू बहुत माता बहनी बहुत लोग देखना ये सम वीडियो तय और देखला कि सबसे पहली सब आपका आप तीर्थ हो जावा मंदिर हो जावा बड़ा बड़ा धाम हो जावा, पर अपड़ा माँ बेबाबों की अपड़ा पितरों की सेवा ना छोड़ा. जी और एक बात और था समाप की ओर चल रहा, अभी मैं आए तभी आप जो ढो सागर के बारे में कुछ बात है मैं चल रही तो थोड़ा तगड़े ये वीडियो थोड़ा लंबी पर जरूर बोली, लेकिन एक संदेश तेरे बहुत जरूर था ढोल सागर के प्रति ज़्यादा नहीं दो चार मिनट को, और बाकी विशेष बात हम फिर कभी कर ला. तो ढोल पर मैं चाहूँगी थोड़ा जरा कुछ बन चला. जी ढोल सागर पर देखा क्या चाहिए कि आज ढोल ढोल एक स्वाभाविक एक देवता है ढोल, और हम सब जानदन कि आज कोई को हो कोई कारज हो कोई मंगल वदय हो हमारा कोई भी कार्यक्रम बिन ढोल का संभव नहीं. मैं जथा हमारा वेदानुष्ठानिक मंत्र छिन हमारा शरीर में अवचेतन जो शक्ति होंगी वे तो जागरण करना का खातिर जथा मंत्र वंदन. मैं बोल लू कि मंत्रों का ही समरूप माँ मंत्रों से भी कई बार जो ची ढोल की एक टंकार का शब्द से हमारे भीतर की हमारे एक जागर बोलते हैं, जागर मतलब जागृत होना. जागृत होने का आशय क्या है कि हमारी भीतर की जो अवचेतन शक्ति है वो चैतन्य में आ जाती है, वो जो प्राण वायु है वो ट्रांसफर हो जाती है साहब ढोल की एक टंकार का माध्यम से. जब ढोल सागर में साहब बात होंगी कि बहुत बड़ी बात होंगी शिव और पार्वती की मेल की, तो हमारे यक पुराणों में बात होंगी जब शिव और पार्वती को वार्ता चल दी और बोले जान कि एक मैं बहुत प्रकाश चलू साहब ये माँ कि हमारे एक औजी छिन जो औजी समाज समुदाय का लोग छिन, तो आमतौर पर औजी लोगों ते हीन दृष्टि का भाव से देखे जानू. मैं आज ही मैं प्रकाश डालू कि साहब औजी को अर्थ क्यों हूँ हमारा ढोल सागर माँ. तो जब शिव जी और पार्वती को विवाह हुए तो शिवन पार्वती ने शिव ते प्रार्थना करी कि यार साहब हमारो ब्याह चू हूँ तो हमारा ब्याह में कुछ मृदंग ढोल इत्यादि तो बजन चंदन कुछ बजने चाहिए. तो शिव ने प्रार्थना शिवन बोले कि भाई क्या चाहती है, बोला कुछ ढोल वगैरह बजे. तभी जुच पार्वती प्रार्थना करे आराधना करे, आओ जी गुरुजन ढोल बाजनते आओ जी पार्वती ने प्रार्थना करे शिव का भीतर बैठिन
शिव के अंश को से ही, शिव के भीतर से एक प्रार्थना की है, क्या आओ आओ, क्या अपभ्रंश रूप है, आओ जी गुरुजनं, आओ जी किसके लिए, ढोल का जो कलावंत जी छिन। तो जैसे जन प्रार्थना करे तो तुरंत शिव जी के भीतर से, उनके अवचेतन से, उनके हृदय स्थल से जो है कौन निकला, कलावंत आओ जी जेत है, जो ढोल को, और तुरंत एक खड़ा हो गया, प्रकट हो गया एक ढोल के कलावंत आओ जी का। तो आओ जी, हमारे आओ जी का मतलब आओ जी। तो घट निलोद पिता घट निलोद छाजा, जे दिन संबोधित मन हुए ते दिन क्या बाजंती बाजा। पार्वती जी बोल दिन कि भाई जिस दिन शंभु उत्पन्न हुए, आप उत्पन्न हुए, उस दिन क्या बाजे बजा, उस दिन तो ढोल था नहीं, तो उस समय क्या बजा। तो ढोल तो तब प्रकट हुआ कि जब आपके अंश से। तो शिव जी बोल दिन है कि घट निलोद पिता घट निलोद छाजा, दे दिन संबोधित मन हुए ते दिन जिब्यान बाजंती बाजा। हमारी अख जिब्या की और वाणी की महत्व चीज बढ़ता है, हमारे एक वेदांग छिन, वेद का अंग छिन, तो वेद का अंग हमारे वाणी की महत्व था बहुत बचाई स्वसर्वत। तो वेद का हम आज जब गणेश को मंत्र पढ़ते गणान हंता गणपति गुंग हवामहे, तो शब्द भी है बजते गण ता ता गण गण ता गण, तो दाई हमारे एक ध्वयाद बजते अलग अलग क्षेत्र की। तो गण ताग्रदु गण गण ताग्रदु गण गण ताग्रदु गणाग्रदु गण गणाग्रदु टीरी में अगर आप जला अलग अलग क्षेत्रों के अलग ध्वयाल छ, पर मुख्यतः इन्हीं बजते। तो मतलब ये आप बहुत कुछ आप हमसे सुनाई। तो दगड़ियों अब हम तो खाली सुन नहीं, बल्कि ये पर अपने गुण पढ़ू, अपना मन में ये बात विचार अपने बैठोन पड़ा जी। और मैं आपको बारंबार प्रणाम कर दूं कि आप ही उम्र में लिया छन कहते, अभी कहते बरसा वाला आप जी साहब, मैं तो अभी मात्र 22 वर्ष मेरी उम्र छ। अच्छा 22 वर्ष ले जी 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 22 वर्ष ही मात्र मेरी उम्र, 22 वर्ष बाईस करना सीख रहे हैं जी साहब। ये मेरे मेरे माँ पिताजी थे, मैं बारंबार धन्य दूँ पुनः कि मेरी मान ही मैं संस्कार दिन इन, और आप जनी विद्वान संस्कृति समाज को कृपा विशेष रहे आशीर्वाद, और मेरे पितरों को आशीर्वाद बहुत रहे जी। यानी कि धीरे धीरे पुनः गांव को जो मतलब है वो लोग समझ नहीं चला जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझे लेकिन पुनः गांव के मतलब मैं हर बार एक बार बोलता हूँ पुनः गांव के मतलब गांव चला या नहीं, काफी लोग बोला यार प्रश्नवाचक बात करता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन पुनः गांव की मतलब अपनी संस्कृति पर लौटा। ये पुनः गांव की उम्र तो क्या आई क्या हमारे पहले ध्वतिपैर था, ये मार घंटियाँ हमारी चुभ लेते रही टिकोर तो लगाई, तो आज लोग यार लोग हमसे याद दिलो सन, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो आपको बहुत धन्यवाद कर दूं, आराम में चल दो माता जी, माता जी हमारे पास जी। माता जी बिल्कुल, अब मैं तुम्हारे दे रहा हूँ बुला, प्रणाम प्रणाम बुला प्रणाम आपसे प्रणाम, आपको धन्यवाद जो आपने जी छा अपना बेटा तीन शिक्षा दिनी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत तो, बहुत धन्यवाद बुलात हुए ही, और मैं तो बोन कुछ भी नहीं आंदो ना कुछ नहीं पर मैं सभी भाई बंधु से और ताई ताऊ चाचा चाची अपर भाभी बुली दीदी बच्चू तय सब ये बोन चाहू कि अभी तो मैंने कह दिया खाना क्या बोन जब भी मेरे बच्चा अगर जनी बुला यमु सुनो ची अगर तने जतो नाम बल तत्व गुण अगर ते लक्ष्य पर सपना माँ अगर पहुँचेगी तो मैं तुम तो ये बोलूँ कि अपर बच्चों था सबसे पहली संस्कार दिया, सबसे पहली हमारे पितरों को आशीर्वाद ची, और जे भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती की मैं प्रार्थना कर दूँ, श्री भगवती और सब माता सरस्वती सबों का बच्चों का मन माँ भरे और सबूत है अपर संस्कृति ना छोड़ा, और सबसे पहली अपरा जो ओणो आदर वाले जानो साथ हर सबसे पहली कर ना, चाहे तुम्हारे घर में नमक रोटी ची, चाहे तुम्हारे घर में एक लाल पानी चाय ची, पर जरूर तुम पता तो अपर मोर पर बैठी ने खाली ना भेज, चाहे तुम घर में छन चो नहीं छन पर अपर बच्चों तो यहाँ संस्कार दिया कि हमेशा ओणो आदर और जानो सत्कार करे। हमारे देश भारत वर्ष बहुत महान ची, हमारे उत्तराखंड बहुत महान ची, और हमारे पता गढ़वाल बहुत महान ची, हमारे यहाँ तो हर लोग इंसान क्या आदमी क्या जानवर क्या यहाँ तो पता देवता भी गीत गानन बोल देने कि गायंती देवा किले गीत गानी
धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे पता भारतीय विरासत है, वो हमेशा ऐसी बनी रहे कि जो हमारे पता जहाँ भी जाए हैं लौट लौट के अपनी भूमि, अपनी संस्कृति, अपने विचारों पर आए। एक दिन ऐसे आएगा जो ये लोग उन्होंने गाय की हत्या करने में पता अपना सक्षम कार्य निभा रहे हैं ना, वो पता एक दिन गलदार बनेंगे और पता उनकी मृत्यु ऐसे होगी जैसे पता नहीं बोलते हैं गंदी नारी का कीचड़ा। गाय घर में अपने आंगन में शांति तभी मिलती है भैया जब पता क्या होता है, जब अपने आगे मेरे में बहुत समस्या आती हैं, हमेशा समस्याओं को पार होके मुझे गुजरना पड़ता है। पर क्या है, मैंने भगवान से यही प्रार्थना मांगी सुबह और शाम को हमेशा, ये भगवान मेरे घर में पता कोई भगवान के रूप में आए, कोई किसी रूप में भी आए, पर मैं उनका आदर करूँ और कुछ नहीं भैया ना। मैं आपको आज देख लिया मैंने और मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना, दूसरे दिन भी पत्रकार तुम ही रहोगे और सबसे पहले मैं तुमको धन्यवाद दूंगी और उसको आशीर्वाद देना। ये भगवान भोलेनाथ की माँ बछा देवी कृपा से आज मैं तभी और मौका मिली और आज ये सुनी तो बहुत हो, लेकिन देखा आपन जिन अभी तो आप तो ना ये 21 साल में भेजी तक नौकरी पर जगह फौज में, तब आप घर आए, आप दीदी आप गौड़ा बासर पा रहे हैं, अब मैं आपते गौड़ा बासर दिखो लू बोलो बहुत आसान छ, तो हम चलो दीदी थोड़ा गौशाला में भैंस भी रह के बुला पी भैंस भी रह के। और आदमी को एक्सीडेंट रे वहीं 9 महीने तक व्हील चेयर मारे, 2 कार व्यक मुँह खड़ी रहना और 2 कार पता अग्नि चली, तभी तुम हिम्मत तभी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी, चलो हम गौशाला में तब तक पॉज कर दिया। गाय में प्राण है तुम महंगी जी ये छन बुला मेरे गोरबा चलो ना, ये आज तो पता यन हुए यूँ की हालत घास भी नहीं ढंग से खाना ना, पता नहीं कि लेप क्या हुए यूँ था ये, पर मैं यन नहीं बोलूँ कि तुम जर्सी ना पाला पर देश की भाला, पर गो माता ची ना यन ची कि प्राण ये माँ भी छो और ते माँ भी छो, हम तो पैसों से लाभ नहीं और पता हम तो बिजनेस से लाभ नहीं, हम तो पता सेवा से लाभ ची ना, चाहे तुम जर्सी की सेवा करो चाहे तुम देसी की सेवा करो, ये माँ जो लोग बदने की देसी और पहाड़ी। तो दीदी एक बार जब तुम शहर में रहना ना, तो सबसे बड़ी बात है कि लोग घूमने फिर ऐसे निकल लगे, लेकिन तुम्हारा फिर पहले तुम पैसों पा रही गौड़, अब तू गौड़ बासरों पर आएगा ना। सो तो बोला मेरे पता बहुत मन छो कि मैंने पता अपर ही गढ़वाल की और अपर ससुरु की ये प्रचलन संस्कृति प्रचलन के लिए मेरे सासू ससुर को ने मेरे माँ पिता ने गाय पाली और हम उन घी दूध खाई, हम उन पता मैं बोलो नहीं कि अब तू एक ही छो जनी, मैं पता एक लाल पानी पिलो दो तो मेरे ते मकान कहती ये सब ये की छूटी जान, पर पता ते मोक्ष जो हम तो मिलो लू तो यूं ही से मिलन मन देखी तो अरे पता मैं चाहे घर मैं चाहे घर मुछ चाहे नीच हूँ, पर मेरो ना मेन मकसद ची मैंने गाय माता की सेवा कर, ये गौड़ी ची हसे बछड़ी ची ये की बछड़ी वही ये बछड़ी ची दिख लिया तुम ये आजकल की वही। और दीदी सवाल पर ना पूर्त मार कर रहे हैं, कभी मैं ना खरीदू तो नहीं छो बुला सब्जी सब्जी मेरा अबर घर पर मसाला हल्दी सब्जी हाँ सब मेरे घर में पता यदि खानो सुत थिया छे, पर पता 30-35 किलो आलू होना नहीं हम, तो चला बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात ही मूल है कि तू हम आप बहुत धन्यवाद ना मेरे बुला तो तभी बहुत धन्यवाद मैं तो आशीर्वाद ना मैं तो मेरे तो आशीर्वाद पता दुनिया दगड़ी छो दुनिया दगड़ी ना आज मैं तो मिली तो प्रणाम ना तो दगड़ी आपन ये वीडियो देखना और शेर तब कंजो पूरी सुन भाई मैंने पहले बता लिया आपसे ठीक है, और चैनल आप फॉलो करना बहुत धन्यवाद।